हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रीकिंग ब्लॉग। आज है 17th of February और आज ब्लॉग रेंडमली बना रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा पैकिंग उठा खोलनी है। कल कज़न आए हैं कनाडा, वो मेरा बैग लेकर आए हैं, वो खोलना, आज उनसे मिलने भी जाना है। मैं घर में शिफ्ट हो गया हूँ, उसका भी टूर दे देंगे। और जितना मैंने 1 महीने में सीखा है या जो इन लोगों ने मेरे मेट्स ने सीखा है, हाउस मेट्स ने, वो भी शेयर करेंगे। तो अभी पहले मैं जा रहा हूँ चाय बनाने, उसके बाद फिर चाय पीते पीते बैग की ओपनिंग करेंगे। भाई ये गैस इंडक्शन वाली इतनी गंदी गैस होती है ना भाई। गैस वही बढ़िया होती है अपने घर वाली, इंडिया वाली। अपने इंडिया वाली गैस सबसे बढ़िया होती है भाई, उससे उस गैस का कोई मुकाबला नहीं है। यार बात खोलने लगा, चाय गिरी, रस और हमारा बैग। मेनली तो मैंने एक दो एक्स्ट्रा वो पिट्ठू बैग मंगवाए थे, इसमें टी शर्ट्स होंगी, तो देखते हैं क्या है। ये चीज़ ना, ये बहुत मेरे लिए ये ऐसी चीज़ तो भूल गया था। अरे भूलने लायक चीज़ थी नहीं, मैं बताता हूँ। मैं यार एक चीज़ और, इतने गंदे तरीके से पैक कौन करता? जितनी टेप इसको पैक करने में लगाई है ना, इतनी टेप मैंने ज़िंदगी में जितने गिफ्ट रैप करे होंगे उसमें मैं लगाई होगी। ये वाला गिफ्ट रैप अनएक्सपेक्टेड था, मिस कनन आपका गिफ्ट रैप एज इट इज बिल्कुल कहीं से फटा नहीं है भाई। ये डायरी ऐसी थी जो मुझे घर नहीं भूलनी थी, बट मैं फिर भी भूल गया था। इसमें मेरे पूरी 5 साल इसमें लिखी हुई है अभी तक, स्पेशली लास्ट के 4-5 साल ये घर वालों के पास नहीं छोड़ी जा सकती थी। And thanks a lot, Kanan. You saved my life. देख, एक ये बच गया, ये बिल्कुल सही सलामत है। ये फट गया है क्योंकि ये पेपर था और वो समझ सकती है तुम। तो बेस्ट पार्ट इज ये, मेरे गूंद आ गए हैं। दो पैकेट है, पैकेट मेरा आराम से 4-5 महीने तो कहीं नहीं गए, आराम से सुकून से भी खाऊंगा अभी। अरे आई शो यू वन टी शर्ट, अ टी शर्ट और जर्सी दैट इज़ वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट, चेन्नई सुपर किंग्स की। अब की बार मैच नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, सपोर्ट तो पूरा है अपनी टीम को। और भाई एक ये जर्सी भी मेरे मतलब बहुत क्लोज रही है लास्ट कुछ सालों में, मेरी टीम जर्सी क्रेजी 11। सो I have two good jerseys with me. The jerseys that are very close to my heart. चलो अब चाय पीते हैं, इसको समेटते हैं और आज प्रेजेंटेशन देनी है कॉलेज में, देखते हैं कैसी जाती है। यार अभी ये खोल रहा था तो एक चीज और मिली, कहाँ गई
ये रे। यार ये फोटोज हैं जो स्टडी टेबल पे लगी रहती थी, वो भी भूल कर आ गया था। तो मम्मी ने जब बैग वैग साफ किए उस टाइम पे देखा मैं, और मुझे बिल्कुल याद नहीं था ये घर पर रखी है। मुझे था ये मैं डाल लेकर आ गया हूँ। अगले दिन मम्मी का फोन आया जिस दिन लैंड हुआ कि तेरी फोटोज तो यहीं रह गई हैं। मैंने कहा ठीक है भिजवा देना बाद में। कुछ कुछ फोटोज ऐसी हैं इसमें कि अगर मैंने दिखा दी तो मेरी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे ख्याल से वो फोटोज़ आई भी नहीं है। डोंट नो, चलो देखते हैं आई है नहीं आई वाली फोटोज। पापा ने निकाल लिए फोटोज, अब नहीं पता पापा ने फेंक दिए हैं वो फोटोज या रख ली हैं कहीं पे छुपा के, बट वो फोटोज नहीं आई हैं। 3 hours later यार अपन बस में बैठ गए, कॉलेज निकल रहे हैं, भागते भागते हमने बस पकड़ी है। ये हमारे एक भाई ईश्वर, हमारे दूसरे आयुष। तो अभी प्रेजेंटेशन है, फुल फॉर्मल वगैरह है, शर्ट और पैंट, नीचे शूज़ ऐसे हैं, वो देख लेंगे अगर ये अच्छे नहीं लगे तो वो वाले पहन लेंगे। Talking about why MSc, its values are really... Hi everybody, my name is Ayush and I'm here to talk about chasing my dreams, Scotiabank. So let's talk about Scotiabank. The world. Adolf Dassler started this company in 1949 and the company I'm talking about is Adidas. This is a multi... Hug diya. German multinational corporation which was founded and what their vision mission is. So the mission is very like it's instill apply. Sir, PPT वगैरह से free हो गए थे, सारी चीजें हो गई थी। 350. So अभी lunch वगैरह भी कर लिया हमने। तो अभी most likely एक बंदे से मिलवाता हूँ। Yeah, Pramod. Hey guys, what's up? How you guys? What doing? Is the one thing that you are going to like? What you have experienced in the last till that from you have landed over here, since you have landed? Life is hard. You'll have to hustle for everything. Nothing is free. Canada is hard. But you can swim. If you know to swim, you can swim. You'll have to sacrifice a lot. But the thing is, he got the part-time job. But we three people have not, two people, not me and Ishwar, so yeah. And he's the one first guy who met me in the on the orientation day, I would say. So like, from whom I got to know that my syllabus is different from others. He was enrolled in a different course. Yeah. And luckily we were able to figure it out easily. Yes. So right now. So on day three we were together. Chal bye. Bye. See you on. Do we have a trade class on Tuesday? Not sure. I'll mail her and ask. Sure, but yeah. As far as I'm concerned. Okay. Yeah. जो दो roommates हैं वो लोग निकल गए थे. I went वापस on third floor. दो लोग निकल गए हैं तो उनसे घर जाके पूछेंगे उनका experience कैसा रहा. बाकी मुझे भी रुकना है क्योंकि भैया भाभी आएंगे शाम को तो उनसे मिलना है. तो कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ से घर से वापस आने का. तो मैं अभी टीटी खेलूँगा थोड़ी देर और फिर शाम को भैया भाभी से मिल के फिर वापस जाएंगे घर. हाय ब्रो, यू शुड प्ले विद देम. ब्रिज, यू शुड प्ले विद देम. भाई काम ही खत्म नहीं होके दे रहा मेरा, तो बहुत सारा काम है अभी. भैया अगर कोई अपडेट नहीं है कितनी देर में आ रहे हैं, क्या सीन है. तो आईडिया व्हाट्स आई कम ऑन
गाइस दिस इज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग. कल व्लॉग नहीं हुआ था क्योंकि कल मैं कॉलेज में था, कॉलेज से आ गया था. बीए भाभी के साथ प्लान कैंसिल हो गया था लास्ट मोमेंट पे. वो लोग लेट थे और कोई सेंस बनता नहीं था, तो आज मिल रहे हैं और इतने हम देते हैं अपने घर का हाउस टूर. भाई ये बेसमेंट का मेन दरवाज़ा और ये हमारा दरवाज़ा, ये ओनर का ही है. किचन जूते वगैरह रखने के लिए. इसमें सारा इलेक्ट्रिकल सामान है. दिस इज द वॉशरूम. ये हॉल है भाई. ये झाड़ू $7 की है, $6.90 की. दिस इज माय रूम, छोटा सा. अभी एक बंदा और आएगा यहाँ पे. ये रूम भी है. इस रूम में अभी आयुष सो रहा है. ईश्वर जो है वो योगा कर रहा है, तो लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम. बट ये वाला रूम, उनका वाला रूम थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा है व्हाट माइन. एंड बस यही है. और बाकी जो है भैया इनसे मिलवाता हूँ मैं. कल प्रमोद से मिलवाया था, आज इन दोनों से मिलवाता हूँ. इन दोनों का एक्सपीरियंस देखते हैं. आयुष को तो 1 साल हो गया है यहाँ पे, बट ईश्वर को अभी 2 महीने हुए हैं. तो अभी इन दोनों से पूछवाता हूँ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उससे कनाडा है. One eternity later. भाई घर से निकले थे कि जॉब ढूंढने निकलेंगे. जॉब ढूंढते अपन निकले थे 11:15 बजे. 11:15 बजे यहाँ पहुँच गए थे और अभी टाइम हो रहा है 2:45. तो 2.5 घंटे से ऊपर लगा लिए. हार्टलैंड करके एक एरिया है यहाँ पे. हमने मेरे ख्याल से अभी 35% 3 ब्लॉक पूरे कवर कर लिए, तो 35-45% कवर किया होगा अभी. साथ में ईश्वर था, अभी इससे मिलवाता हूँ क्या कहता है ये. इसको तो 2 महीने हो गए मेरे से. 1 महीना पहले आ गया था, 1 महीने के 20 दिन पहले आ गया था. इससे पूछते हैं इसका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक यहाँ. ईश्वर जी क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? हाई कंट्री बढ़िया है, बट जितना यूट्यूब पे लोग दिखाते हैं नौकरी मिल जाती है आराम से, वैसा कुछ होता नहीं. के खा रहे हैं हम दोनों ही खा रहे हैं. हार्डशिप है, कुछ मिलेगा तो अभी बता ही देगा भाई. वही है, यूट्यूब पे हमें बड़ा लग रहा था कि नौकरी मिल जाएगी, नहीं ये है वो है. बट अभी जब धक्के खा रहे हैं, जब पता चल रहा है कि यूट्यूब पे जितना लोग बोलते हैं उतना आसान नहीं है नौकरी मिलना, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि ये बंदा अपने कम मेरे ख्याल से 5-6 दे दिए होंगे आज तूने. 5-6 ये दे चुका है, 5-6 ये दे चुका है और 25 इसने आज दिए हैं. 40 कह रहा था ना तू उस दिन. 40-45 रिज्यूमे ये फेंक चुका है, 25-30 मैं फेंक चुका हूँ. अभी तक कुछ मिला तो है नहीं हमें किसी को भी. ऑनलाइन भी कर चुके हैं, ऑनलाइन अलग अप्लाई कर चुके हैं. तो अभी देखो क्या रहता है. आज कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हायर कर रहे हैं. अब देखो क्या चलता है. बाकी मैं जाता हूँ भैया से मिलने, 2 बजे का बुला था, 2 बज चुके हैं. मैं कॉलेज की साइड निकल रहा हूँ भाई. मसाज मजाक से हट के कह रहा हूँ, नौकरी नहीं मिलती इतनी आसानी से. कोई कोई इनटेक होता है, मे बी इन सेप्टेम्बर इनटेक में आसानी से मिल जाती हो. जनवरी इनटेक में पूरा पूरा हसल है जॉब लेने के लिए. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जॉब जो है तुम्हें मार्च एंड अप्रैल में मिलेगी. जब हम उससे अभी इससे पहले अप्लाई कर रहे थे तो सारे कह रहे थे फेब एंड मार्च में मिलेगी. तो सिर्फ काटते हैं और कुछ नहीं है. ये नहीं है कि बहुतों को मिली नहीं है, बहुत सारों को मिल भी गई है. बट मेरे नोन में मैं और ईश्वर हम दो हैं जिनको अभी तक मिली नहीं है. और हम लोगों ने हसल बहुत करा है भाई. अब एक दिन और स्पेशल यहाँ पर आना पड़ेगा पूरा अप्लाई करने.
तो इतना इस माइंड सेट से आना, अगर कल को तुम कनाडा आते हो या किसी बाहर कंट्री में जाते हो, कि यूट्यूब वीडियो से इंस्पायर होके मत जाना बस। मैथ नहीं आया था बट स्टिल मुझे इतना था कि आसानी होगी, मिल जाएगी, बट इतना आसान नहीं है, हसल पूरा है। अब भैया भाभी से, भैया भाभी अपने एयरबीएनबी पे गए, मैं घर आ गया अपने, मतलब रास्ते में ही हूँ। और खाना वाना खाया वहाँ पे भी, मैंने पार्ट टाइम के लिए पूछा, जहाँ पे लंच किया था कढ़ाई बॉयज पे, उन्होंने बोला दे आर नॉट हायरिंग राइट नाउ। लेकिन भाई अ पर्सन हु इज़ प्लानिंग टू विजिट और हु इज़ करंटली लिविंग नियर मिसिसागा शुड ट्राई, गो एंड ट्राई कढ़ाई बॉयज भाई, उनका खाना लाजवाब, खाना लाजवाब, इससे अच्छा कोई वर्ड नहीं हो सकता था, लाजवाब। हमारी बिरयानी बच गई थी, हमने पैक करवाने के लिए रखी, हमने पैक करके रखी, वहीं भूल कर आ गए। तो यही है, अभी कल फिर मिलूंगा भैया भाभी से, अभी वो परसों ऑफिस जा रहे हैं, सो रहा है क्या, बाद में मिलता हूँ। आयुष सर आइए भाई, आयुष। तो ये हमारे यहाँ पे मतलब एल्डर ब्रदर टाइप है, क्योंकि सब खेलेंगे, इसको एक साल हो चुका ऑलरेडी। आयुष कोई तो देख, उनसे मैंने पूछा कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा, क्योंकि खुद एक महीना हुआ, एक महीना। यू टेल मी कि व्हाट, तो ना तुझे यहाँ पे क्या अलग लगा इंडिया के मुकाबले में, या फिर वेदर के मामले में, पढ़ाई के मामले में, क्या यहाँ पे टोटली डिफरेंट है? पढ़ाई के मामले में देखो बोलो तो भाई इन लोग का क्या है, स्लाइड्स बना दिया, स्लाइड्स समझा दिया, पढ़ना तो हमें ही है। तो भाई टेक्निकली इंडिया जैसे ही हुआ, हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे स्लाइड्स पढ़ के भाई पढ़ना हमें ही है, थोड़ा बहुत समझा देते हैं। पर वेदर के मामले में भाई सही वेदर निकलता है यहाँ पे, विंटर मेरे लिए मेरे को तो भाई सही लगा, समर से ज़्यादा तो विंटर मेरे को पसंद आया है यहाँ पे। भाई पहला आदमी है जो मुंबई का और वो कह रहा है इसको सर्दियाँ पसंद आई है, बेशरम आदमी है भाई, बिल्कुल ही यार वही है। जैसा अभी आयुष ने बोला, आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे को सिर्फ इतना फ़र्क पता चला है कि यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है इन केस ऑफ, जैसे अपन वहाँ पे सिर्फ बुक्स पढ़ते रहते थे, यहाँ पे भी लैपटॉप पे पढ़ते रहते हैं, बट रिसर्च वर्क, उसके ऊपर काम, वो थोड़ा ज़्यादा है। वो चीज़ मेरे को अच्छी भी लगती है कि रिसर्च करनी, अब खुद से लिखना, खुद से बनाना। और एक और चीज़, दो लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, वन इज आशीष बिष्ट कॉलेज का दोस्त, जिसने पीपीटी तैयार करवाई थी एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एंड वन इज नाडा मेरी क्लास में, शी गिफ्टेड मी दिस बॉक्स, हॉट चॉकलेट बॉक्स है, तो इसके अंदर हॉट चॉकलेट के पाउडर्स, सिनेमन पाउडर, शुगर पाउडर, सारी चीज़ें, वनीला वगैरह। और थैंक्स टू दीज टू, एंड सबसे बड़ा थैंक यू यशस्वी बब्बर जी एंड कनन जी को, नॉट यशस्वी बट कनन जी को, डायरी के लिए दोबारा से। एंड इसी के साथ यही ब्लॉग ख़त्म करते हैं आज का। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए।
ध्यान रखना, बाय बाय।